इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में मजलिस की बढ़ती मकबूलियत से फिरका परस्त जमातें बौखलाहट का शिकार। जुनूबी हिंद के मुमताज उलमा इकराम का बयान, असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करने उत्तर प्रदेश की अवाम से अपील। दरगाह हुसैन शाहवली के 1654 एकड़ अराजी मुकदमे में वक्फ बोर्ड को नाकामी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी दोबारा। हैदराबाद के मजाफात शामीरपेट के मौजा में खदीम मस्जिद को कर दिया गया शहीद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर का किया मुतालबा। मजलिसी कायदीन और कारकुनान ने वक्फ बोर्ड दफ्तर में किया एहतजाज। शामीरपेट में शहीद की गई मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने किया ऐलान, कहा खदीम मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। मौलाना जाफर पाशा ने शामीरपेट में मस्जिद को शहीद किए जाने के वाकये की शदीद मजम्मत। वक्फ जायदादों पर हो रहे कब्जों में वक्फ अमले पर साजबाज का लगाया इल्जाम। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर 11 तारीख को करेंगे जिला जलगांव का दौरा। कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और टीआरएस ऑफिस का करेंगे इफ्तिताह। रियासती गुजरा सत्यवती राठौड़ और एरावली दयाकर राव ने लिया इंतजाम का जायजा। और अब खबरों की तफसील। जुनूबी हिंद की मुमताज उलमा कराम और अकाबरीन मिल्लत ने उत्तर प्रदेश के सेक्युलर आवाम और मुसलमानों से अपील की है कि वो असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर उसे मुस्तहकम बनाएं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करें, जो भारतीय मुसलमानों के सियासी रहनुमा के तौर पर कौमी सियासत में अपनी पहचान बना चुके हैं। हैदराबाद में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, सदर उलमाए दक्कन मौलाना सैयद शाह कबूल पाशा खादरी शुत्तारी, अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, सदर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना हसन फारूकी, कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के सदर जियाउद्दीन नैयर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मजलिस की बढ़ती मकबूलियत से फिरका परस्त जमातें बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों और सेक्युलर आवाम से अपील की कि वो संघ परिवार के जेर तसल्लुत गोदी मीडिया के गुमराह कुन प्रोपोगंडे का शिकार ना बने और मजलिस को कामयाब बनाए। मुसलमानों से अपील करते हैं कि मौजूदा हालात को समझें, मौजूदा वक्त के मसाइल को समझें और इसके लिए एक मजबूत जमात और एक मजबूत क़यादत को जो है मुंतखब करें, ताकि अपने मसाइल को हल करने में हमको मदद मिल सके। अब जो चीज़ हमारे सामने कामयाब तौर पर चल रही है, अब फिर उसको आजमाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी को मुंतखब करना, उसी के हाथ मजबूत करना और उसी का साथ देना, यही अकलमंद है। इसलिए मैं अजीज़म असदुद्दीन ओवैसी सल्लल्लाहु की जो इस वक्त कोशिशें हैं, मेहनतें हैं, उनकी कोशिशों और मेहनतों की वजह से जो समरात हासिल हो रहे हैं, उसके पेश नज़र मैं सब मुसलमानों से अपील करता हूँ, खुसूसन उत्तर प्रदेश के असदुद्दीन ओवैसी सल्लल्लाहु के हाथ मजबूत करें और उनकी जमात को मजबूत करें, और वो इस वक्त इलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं उनके उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक बड़ा जो है तंजीमी मामला बन जाए और सारे मुसलमान एक झंडे तले आ जाएं, इसी से हमारी कामयाबी होगी। हमारे यूपी के तमाम लोगों से हमारी अपील है कि आप अपने वोटों की तकसीम ना होने दें, बल्कि वोटों की तकसीम से बचकर ये कोशिश करें कि जो भी पार्टी जो इस वक्त हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब माशाल्लाह वहाँ सरगर्म हैं, उनकी पार्टी को कामयाब करने की कोशिश करें। वोटों की तकसीम से हमारे लिए आगे नुकसान हो सकते हैं। अभी हालात आप देख रहे हैं कि अब मुसलमानों के लिए एक नई
मसाइल नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमारा ये काम है कि अब हम अपने हुकूमतों को, अपने लोगों को मजबूत करें ताकि अपनी आवाज़ वहाँ ऐसा पार्लियामेंट में उठा सके, असम्बलियों में उठा सके। लिहाजा फिर एक बार मैं अपील करता हूँ यूपी के तमाम जिम्मेदारों से, तमाम इदारों से, तमाम मुसलमानों से कि वो वोट की तकसीम से अपने को बचाए और हमारे जो तंजीम यहाँ से हैदराबाद की और ऑल इंडिया पैमाने पर अब माशाल्लाह जो काम कर रही है उसे कामयाब बनाएं। जब जमात कायम किए तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के लिए जमात का क़याम अमल में लाया गया है। यकीनी तौर पर इसको आगे बढ़ने और फैलने के लिए फौरी तौर पर कोई बच्चा दौड़ने नहीं लगता स्पीड उसकी इंतहाई स्पीड के साथ, बल्कि सबसे पहले वो माँ की गोद से उतरता है तो पलटता है पहले, फिर कुछ कुछ रेंगता है, फिर ठहरता है, लड़खड़ाता हुआ चलता है, फिर चलने लगता है, फिर तेज़ चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। तो इसी तरह से यकीनी तौर पर उस वक्त वो मुदब्बिरीन और फिक्र रखने वाले बानियाँ ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सरकर्दा उसमें अहले इल्म थे, अहले दानिश थे, उन्होंने कायम किया। तो यकीनी तौर पर आज वो वक्त ऐसा महसूस हैं, वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑल इंडिया लेवल पर उसके खिदमात की वसअत देने का आ चुका है कि जिसका बय्यिन सबूत सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो हिंदुस्तान भर में पजीराई और उनकी पार्लियामेंट में जो कुछ नुमाइंदगी मुसलमानों की और मज़लूम लोगों की और हक से अपने महरूम लोगों के लिए जो कुछ उनकी आवाज़ें उठ रही हैं वो सारे हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि सारी दुनिया पर आया है। दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1654 एकड़ 32 घंटा वक्फ अराजी के तहफ़ के सिलसिले में तवील क़ानूनी लड़ाई में तेलंगाना वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस ज़िमन में आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने स्टैंडिंग काउंसिल का इजलास तलब करते हुए आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी दाखिल की जाएगी। वक्फ लैंड है, ऑलरेडी जो है उसका मुंतखब है, गजीड है, सर्वे रिपोर्ट है, हर चीज़ है। देखो आप, तो हम लोग जो है ना अभी रिव्यू आज रिव्यू करें, पूरे स्टैंडिंग काउंसिल को बुला के हाई कोर्ट के वगैरह के, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी ऑनलाइन बात करें, बात करके हम लोग जो है ना वहाँ पर भी कंसल्ट कर रहे और सीनियर को लगा के जो है ना फिर अपील को जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ पर रजू होके उसको छोड़ेंगे ना, हम खामोश नहीं बैठ सकते। हो वफ लैंड ऑलवेज वफ रहता, क़यामत तक वफ रहता, हो कुछ भी मैनेज करके कुछ भी वहाँ पर कर लिए तो हमारे को उससे मतलब नहीं है, हम वो लैंड को छोड़ेंगे नहीं। वफ ट्रिब्यूनल में भी हमारे फेवर में हुआ था, हाई कोर्ट में भी हमारे फेवर में हुआ था, फिर उसके बाद में वहाँ जाके जो है वहाँ पर क्या करे वो नहीं मालूम, मगर हम लोग हर चीज़ डॉक्यूमेंट है, हमारे को परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शामीरपेट के मौज़ा याखुदपुर और केशवपुर में एक 400 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद और बाज़ खबूर को शहीद करने का मामला सामने आया है। ये वाक़िया पीर के रोज़ पेश आया। इतला के साथ ही सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर का मुतालबा किया। सदर मजलिस की हिदायत पर इंचार्ज मजलिस हल्के असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने कल रात ही शहीद मस्जिद और खबूर का मुआयना किया और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जबकि आज मिर्ज़ा रहमत बेग की क़्यादत में मजलिसी कारकुनान ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड दफ्तर के अहाते में एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम औकाफ़ी जायदादों के तहफ़ में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने औकाफ़ी जायदादों के तहफ़ के लिए संजीदा इकदाम करने और शहीद करदा मस्जिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मजलिस कारकुनान ने नारे बुलंद करते हुए मस्जिद को शहीद करने के जुर्म में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया। बाद अज़ा पुलिस ने एहतजाजी मजलिस कायदीन व कारकुनान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड पे
धरना दिया जा रहा है, क्योंकि कल रात में लैंड ग्रैबर्स कुतुब शाही मस्जिद शामीरपेट याकूतपुर में रात रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। इसके सिलसिले में आज वक्फ बोर्ड के ऊपर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो लैंड ग्रैबर्स मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं उसके साथ वक्फ बोर्ड के सदर नशीन जनाब सलीम साहब का हाथ है, और उन्होंने लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करते हुए रात रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही बोलना चाहती है कि एक बार जब अल्लाह का घर बन जाता है तो सुए क़यामत तक वो अल्लाह का घर रहता है। आज यहाँ पर मस्जिदों को जो डिमोलिशन करे हैं, मस्जिद को शहीद किए हैं, इसके ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब है। और रात में मैंने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मस्जिद का मायना किया और शामीरपेट पीएस में जाकर एहतजाज किए हम रात में। करे बाद वो लैंड ग्रैबर्स के ऊपर केस बुक करते हैं, मगर लैंड ग्रैबर्स को गिरफ्तार नहीं करते हैं। ये कौसी पॉलिसी है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस मसले में बहुत सीरियस है, और सदर मोहतरम हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात कर रहे हैं। उसी जगह पर मस्जिद तामीर होना, और नहीं तो इसके नतायज बहुत बुरे निकलेंगे। आज ये धरना सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड पर दिया गया है, और इसके बाद एहतजाज बुलंद होगा, और कहां कहां पर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम लोग जाकर धरने देंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई बार समझा चुकी है कि इस तरीके से मस्जिदों को डिमोलिशन करेंगे, शहीद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। शहर के मजाफाती इलाके शामीरपेट के मौजा याकूतपुर और केशवपुर में 400 साल कदीम कुतुबशाही मस्जिद को शहीद करने के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि औकाफी जायदाद पर कब्जा और मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड अमले की टीम मस्कुरा मुकाम पर मौजूद है और ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि उसी मुकाम पर मस्जिद दोबारा तामीर की जाएगी। बाद अज़ां वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ख़ुद मस्जिद के मुकाम का दौरा किया और जारी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने असर की नमाज बजमात अदा की। ये केस बुक करा दिए, सेक्शन लगा दिए उसको 447-427-295-IPS-52AWA, समझे आप, FIR दर्ज कर दिए, क्रिमिनल केसा बुक कर दिए। ये लोगों के नाम पे विनोद रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी और MD शाहनवास, ये लोगों के ऊपर FIR भी बुक होगा, और ये लोग अरेस्ट के लिए जो ना पुलिस निकली हुई भी है, ये लोगों को छोड़ते नहीं, चाहे बैठने को है क्या, वैसा रातों जाना पड़ता है स्पॉट पे, कोई भी रंग बराबर मस्जिद तामीर होगी, वक्फ बोर्ड से तामीर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप। और कुछ कि इन लोगों को भी जो है कोर्ट में डाल के उन लोगों ने पट्टा पानी वो है कहते हैं डुप्लीकेट बना लिए, सो वो भी कैंसिल कराने के लिए उल्ला भी कोर्ट को कहते हैं, हम भी कोर्ट को जाएंगे, वो हाई कोर्ट को बोल के है, और इमीडिएट वो पेपर निकालने के लिए भी हम MRO को वह भिजाए, सर्टिफाई काफ़ी अलग लोगों के रजिस्ट्रेशन किए हुए हमारे पास नहीं है ना, वो वहाँ से लेके हम लोग इन लोगों को अरेस्ट भी कराएंगे पूरी तरीके से, और हम कोर्ट में भी जाके करेंगे और कैंसिल करा देंगे उनकी सेल डीट जो 9 एकड़ 20 मिनट है, वो सेल डीट कैंसिल होंगी। वो लोग हारने की वजह इसका जिम्मेदार देखो आप, यहाँ पर हर चीज़ है हमारे पास, पेपर्स पूरे मुंतखब है, सर्वे है, अराटा करे सो है, हर चीज़ है, और यहाँ पर ये भी जीते सो है, उन्हें हमारी गजट को सेटिसफाई नहीं करा, उन्हें गजट का नाम ही नहीं लिया, आप कापी पढ़ लीजिए, गजट का नाम नहीं लिया, गजट को सेटिसफाई नहीं करा, गजट को कुछ डिस्टर्ब नहीं करा, उन्होंने बोला ये अराटा की बेस पे सुने, तो अल्लाह का करम है हम लोग रिव्यू को जा रहे हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, और हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, अल्लाह चाहे तो अभी वही मीटिंग थी हफ्ते के दिन, हम लोग CEO हम लोग सब लोग बैठ के पूरे और सीनियर एडवोकेट्स को बुला रहे, बुला के उन लोगों का ये करके इमीडिएट काम चालू करके, 1 महीने का टाइम रहता रिव्यू करने का उसको कोर्ट में, फिर रिज्यू होने का,
तो इंशाल्लाह ताला उसको हम लोग खामोश नहीं बैठे, फिर कंपोजिशन कैलकुलेट नहीं करें तो इंशाल्लाह ताला जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी मेरी उसमें मैं पूरे चीज़ें बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया उसको जो है ना ऑफिसर फॉलो करने का रहता, बोर्ड क्या करता समझे? आप बोर्ड की मीटिंग कर सकते हैं, खाली मशवरा कर सकते हैं। रेट जो है वो हिसाब से पैसा मिलेगा, अपना कोई अलग रेट नहीं रहता ना वक्फ बोर्ड का। गवर्नमेंट रेट जो है, मार्केट रेट जो है, वो हिसाब से आएगा पैसा वक्फ बोर्ड को। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मस्जिद के प्लान में तरमीम करते हुए पार्किंग की सहूलत का इजाफा किया गया है। ये बात वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि एक या दो दिन में तामीरी कामों का आगाज़ अमल में आएगा, जबकि रमज़ान में नमाज भी अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से मसाजिद की आहक पाशी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। मस्जिद बन रही, फाउंडेशन रख दी है, वहाँ पर पार्किंग की जगह कम है बोल के फिर प्लान चेंज हुआ, उसका प्लान सेट कर रहे, पार्किंग भी रहना क्योंकि रोड भी आ रही वहाँ अंदर बोल के वहाँ पर मस्जिद जो है एक दो दिन में काम भी, रमज़ान में नमाज होंगी इंशाल्लाह यहाँ भी, कहाँ पर सेक्रेटेड की मस्जिद में भी हम लोग पूरा फॉलो कर रहे भाई। अब पब्लिक गार्डन की मस्जिद देखिए आप, पूरा पानी पचर रहा था वो मस्जिद में भी, वक्फ बोर्ड से 70 लाख रुपये सेंक्शन करके जो है, इधर सुनो आप एक मिनट ठहरो भाई, 70 लाख रुपये सेंक्शन करें यहाँ पर करके जो है ना, वहाँ पर मस्जिद बन रही, मार्बल फ्लोरिंग करा रहे हैं वहाँ पर, जो शेड डाले थे पहले का बुदबुदा होगा था, नया शेड डाला है वहाँ पर, वहाँ फॉल सीलिंग करा रहे, हाइट उठाए उसको, आगे बढ़ाए शेड को, ऐसे कई चीज़ें करते जा रहे हैं खामोशी से हम लोग। क्या आप झंडे लेके बोलना कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं। बल्कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि गुज़िश्ता दौर में कांग्रेस और TDP के दौर में ही औकाफी जायदादों पर धांधलियाँ की गई, जबकि TRS दौरे हुकूमत में 500 से ज़ायद औकाफी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट की सपोर्ट रहने से 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे। एक मिनट ठहरो भाई साहब, एक करोड़ वैल्यू का नहीं 10 करोड़ लाख वैल्यू का होगा, हम छोड़ते नहीं वो चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये है, हमारी गवर्नमेंट KCR साहब की गवर्नमेंट आने के बाद, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि जो है ना KCR साहब की गवर्नमेंट में 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए, कई को है। अगर ये गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं रही तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता नहीं होता, क्योंकि किसकी गवर्नमेंट में हुए बोलो, एक रजिस्ट्रेशन वक्फ प्रॉपर्टी का कैंसिल करे तो इंडिया लेवल पे बताइए आप, समझे आप? मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूँ अगर दूसरों की गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ बोले तो। KCR साहब की गवर्नमेंट में ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, समझे आप? कितना भी पुकार लो लोग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अल्लाह से डर के काम कर रहे हैं। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने शामीरपेट में मस्जिद को शहीद किए जाने के वाक़े की शदीद मसम्मत की और इसके लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए वक्फ जायदादों पर हो रहे कब्ज़ों में वक्फ अमले पर साजबाज का इल्ज़ाम भी लगाया। मौलाना जाफर पाशा ने शामीरपेट मस्जिद के ज़िमन में फौरी एक्शन लेने की मुतालिका ज़िम्मेदारान से अपील की। आपको मैं शामीरपेट की मस्जिद के सिलसिले में नहीं, बल्कि जितने मसाजिद शहीद हुए उसका मुजरिम मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप पे लाजिम है कि आपके इंस्पेक्टरों से, वो आपके चोरों से जो वहाँ जो ज़मीनों को फरोख्त कर रहे हैं उनसे बुलाए, सख्त उन पर एक्शन ले और वहाँ के इंस्पेक्टर को फौरी नौकरी से बर्खास्त करे। अफसोस होता है हर सेक्शन में आपके काम करने में, आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे एंड नहीं है उसका, तो फिर आप बैठे क्यों कुर्सी पे? अगर बैठते हैं तो फिर मालूमात रखिए, अगर मालूमात नहीं रख सकते हैं तो आप हट जाइए। यहाँ की गवर्नमेंट पे भी एक तरफ मुसलमानों का साथ देने की बात करती है और दूसरी तरफ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई वक्त नहीं छोड़ती और कोई मामला नहीं छोड़ती। मैं ऐसे मौके पर हमारी मस्जिद की हिफाजत के लिए भी हमारे क्या है जिम्मेदार जो भी वहाँ के हैं हमारे, उनसे ख्वाहिश करता हूँ और फौरी मस्जिद के सिलसिले में एक्शन लेने की अपील करता हूँ। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन की जानिब से अक्सर CM KCR की तारीफ़ किए जाने के मुतालिक सवाल पर मोहम्मद सलीम ने बताया कि वो CM KCR की तारीफ़ क्यों करते हैं। RMB की कोई गवर्नमेंट दी है ऐसा उठा के वक्फ बोर्ड को लियो ज़मीन बोल के? अनिसुल गुरबा इतना बड़ा बन रहा है यहाँ पर चौरस्ते पे, 22 करोड़ रुपये सेंक्शन करें, अरे
ऐसे बहुत चीज़ें हैं। अब केसीआर साहब की तारीफ कर रहे बोल तो करना पड़ता। कौन दिया 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप केसीआर साहब की गवर्नमेंट में दिए? कौन दिया मतलब शादी मुबारक स्कीम में 18,000 देते थे पहले, 1 लाख चिल्लर दे रहे मतलब गरीबों को। ऐसे कई स्कीम है, सेकुलर सीएम बोलते वाकई सेकुलर सीएम है, मगर अब क्या सीएम साहब जाके देखेंगे हाँ मस्जिद कौन तोड़ा बोल के मालूम होते वहाँ पर कैसा भी बुक हो गए। अब कल बोले पेपर वाले जो है ना कैसा बुक नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करे, खाली आके ठहरे, खाली आके ठहर के झंडे लेके फिरने से नहीं होता, काले झंडे पीले झंडे समझे। अब काम पक्का अंदर से कराए सो है और वहाँ काम भी चल रहा, हमारी फूडिंग टीम लगी हुई है, 10-15 आदमी हमारे वहाँ ठहरे हुए वहाँ पर। टीआरएस के रुकन राज्यसभा लिंगाया यादव ने आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों पर अमल करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने ऐवान में इस मसले को तेलुगु जबान में उठाते हुए निशानदेही की कि तेलंगाना की तशकील के 8 बरस हो चुके हैं, ताहम मरकज ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। दरियाए कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम के तनाज़े के सिलसिले में ट्रिब्यूनल का हवाला देते हुए उन्होंने राज्यसभा में कहा कि इस मसले को भी हल नहीं किया गया। మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. ఈ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఏపీ తెలంగాణ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014 ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 8 సంవత్సరాలైంది సార్. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ హామీలు కూడా నెరవేర్చలేదు సార్. రిఫరింగ్ ద వాటర్ డిస్ప్యూట్ ఆఫ్ కృష్ణా రివర్ అండ్ గోదావరి రివర్ ట్రిబ్యునల్ అండర్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ 1956 సార్. అలాగే ఇంటిగ్రేట్ స్టీల్ ప్లాంట్ బయ్యారం సార్, అది కూడా ఏమి ఇయ్యలేదు. टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज जुनूबी रियासतों के साथ मोतसबाना रवैया अख्तियार कर रहा है, यहाँ तक के फंड्स में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर तेलंगाना से किए गए वादों को भी मरकज ने नज़रअंदाज कर दिया है। मोदी नायकत्व में प्रभुत्वम दक्षिणादि राष्ट्रालकु तीव्रमैन పక్షపాత ధోరణిని అవలంబిస్తూ ఉంది. మోడీ నాయకత్వంలోనే ప్రభుత్వం పక్షపాత ధోరణితోనే మనకు రావాల్సినటువంటి చాలా సమస్యల్లో అడ్డుపెడుతూ నిధులు ఇవ్వకపోగా మనకు వచ్చే నిధులను చాలా ఆలస్యం చేస్తున్నటువంటి సందర్భం. అదేవిధంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో ఉన్నటువంటి పలు అంశాల్లో కూడా ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చాక పరిష్కారం కాలేదు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम में आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानब। सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर रसदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज शहर भैंसा का दौरा करते हुए 10वीं जमात के तुलबा तालिबात में सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। इस ज़िमन में शहर भैंसा के रेनबो जूनियर कॉलेज में एक तकरीब मुनक़द की गई, जिसकी निगरानी सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िले सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने की। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि दौरे जदीद में तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि तालीम को मिल्लत में आम करने के लिए सालार मिल्लत ने बेड़ा उठाया था जो आज तक जारी है। उन्होंने स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर जो तराजा हो रहा है उस पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे फ़िरका परस्त ताकतों की साजिश करार दिया। इस तकरीब में सदर टाउन व नुमाइंदा काउंसलर फैजुल्ला खान, मोहम्मद इम्तियाज़ उल हक, एडवोकेट मोहम्मद आमिर, काउंसलर अब्दुल माजिद रहमत खान, मोहम्मद सलीम के अलावा मजलिस के सीनियर कायदीन मीर नवाब अली, नैयर अहमद, रेनबो जूनियर कॉलेज के मुंतजमीन मोहम्मद शाकिर अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर अहमद, कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान के अलावा स्टूडेंट्स और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। आपके फसाद ये फितना जिंदा हुआ कि मुस्लिम खवातीन को पर्दा तक कर देना चाहिए, हिजाब में लेना चाहिए। अरे दुनिया वालों, तुम समझो ये हिजाब क्या है? ये हमारे पास हिजाब का नजरिया उसको है जिसका हम तकद्दुस माया रुतबे पे फायज होते हैं। हमारे पास जो मुकद्दस होता है वही पर्दे पे होता है।
गिलाफ़े काबा हमारा काबा है, उसके ऊपर गिलाफ़े काबा है, क्योंकि काबा हमारे लिए मुकद्दस हमारा क़िबला है, उसके ऊपर भी काबे का गिलाफ़ उड़ाया गया। पुरानी शरीफ हमारी ज़ाब्ते हयात है, उसको कपड़े में रखा जाता है जुलदान में, वो मुकद्दस किताब है हमारी। और हमारी माँ, हमारी बहने जो आखिरी मंजिल पर माँ के मर्तबे पे बैठ जाती है, तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है, तो उसको भी तकद्दस माँ का दर्जा दिया गया, वो भी बुरखे में और रकाब में रहती है, लेकिन फिर भी हर तरीके से हमको सताया जाता है, लेकिन हम डरने और घबराने वाले नहीं है। तेलंगाना के वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 11 तारीख को ज़िला जनगांव का दौरा करेंगे, जहां वो कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ टीआरएस के पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उनके दौरे के इंतजाम का रियासती वज़रा सत्यवती राठौड़ और रवली दयाकर राव ने आज जायज़ा लिया। उन्होंने कलेक्टर और दीगर आला अहदेदारों के साथ इंतजाम का जायज़ा लेते हुए इस दौरे को कामयाब बनाने के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाने ज़रूरी हिदायत दी। मल्काजगिरी रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंत राव की सालगिरह के मौके पर मैनमपल्ली सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर मैनमपल्ली रोहित की जानिब से अवामी मसाइल हल करने के लिए तैयार करदा रथ का वजीर आईटी केटीआर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर केटीआर ने उम्मीद जाहिर की कि अवामी मसाइल को हल करने में यह रथ प्रजा दरबार का काम करेगा। खुदबुल्लापुर एमएलए केपी विवेकानंद ने गाजुलामारम के चंद्रगिरी नगर में 125वें डिवीजन में ईसाई बिरादरी के प्रेयर पावर चर्च की इमारत का संग बुनियाद रखा। उनके हमरा पार्टी कायदीनों कारकुनान और ईसाई तबके के जिम्मेदारान मौजूद थे। रुकन असेंबली ने इस मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मजाहब की यकसा तरक्की को यकीनी बना रही है। इस मौके पर पादरी जैकब और मुकामी डिवीजन टीआरएस सदर विजय राम रेड्डी, टीआरएस सीनियर कायदीन इंद्रा सेना गुप्ता, कस्तूरी बालराज, नवाब साई प्रताप, श्रीनिवास यादव, इब्राहिम खान, मुरली मूसा खान, दिलीप के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िला मेडचल मलकाजगिरी के दमाईगुड़ा म्यूनसिपल हदूद में वाक़ गैर कानूनी ढांचों को म्यूनसिपल एहलकारों की जानब से मुनहदिम किया जा रहा है। आज एसीपी काबरा और उनकी टीम ने ललिता बार के रूबरू गैर कानूनी शटर्स की तामीर को मिसमार कर दिया। इस मौके पर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के कायदीन ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की। अपोजिशन पार्टी ने कहा कि मुकामी टीआरएस कायदीन और म्यूनसिपल अमले की मिलीभगत से चंद एक तामीरात पर कार्रवाइयां की जा रही हैं, जबकि मुकामी टीआरएस कायदीन ने इन तमाम इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। मैं प्रभुत् च्ड पेर इटे तपी पेंटे डबूल वसूल आलोचे टीआरएस कार्यकर्ता अना सर पार्टी पनचे आईना सर वाल डबूल वसूल इला परपाल आलोचे एंकंत पेंट ओवर वेकटी कोई इंत धरपक पैन पेलिको चुटा वस्तु पका पैन उठर पेंट ओवर वस्तु दाने को डबूल इवे अट्ला पंचायती मैं दर का पेंट ओवर से कटो इं प्रोत्साहमी एंकंत वाले अंदर वस्तने डेवलप इकड़ा देखो दम्मड़ एवर कुर्तुंटा मैं इलांटी नशिचा मैं कमीशनर गार मैं अगर उद्य तालका मैं तुंदर प्रजल बुद्धि चुप्तर आलरे मैं वाले न्यायम का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असेंबली व आदिलाबाद इंचार्ज जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने दौरे आदिलाबाद के मौके पर मजलिसी काउंसलर नज़ीर अहमद की जानिब से मरीजों की सहूलत के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का झंडी दिखाकर आगाज़ किया। दूसरी जानिब वार्ड नंबर 31 मोहल्ला खानापुर में मजलिस के नुमाइंदा काउंसलर सैयद शाह राशिदुल हक की जानिब से क़ायम करदा मजलिस पार्टी ऑफिस का रिबन काटकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान मोहल्ला शाद नगर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख अरबास ने अपने दोस्तों के हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें जाफर हुसैन मेराज ने पार्टी खंडवा पहनाकर मजलिस पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कौंसलर सैयद शाह राशिदुल हक, परवेज शकील अहमद और दीगर मौजूद थे। बता दें कि एतमाद स्टाफ रिपोर्टर शाहिद अहमद तवक्कल ने जाफर हुसैन मेराज की आदिलाबाद आमद पर तमाम तर इंतजाम को खतियत दी। आदिलाबाद से टीआरएस रुकन असेंबली जोगू रमना ने आदिलाबाद में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के अहिया के लिए लगाए गए सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जोगू रमना ने मोदी ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि आदिलाबाद की सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री का अहिया किया जाए। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि सीसीआई साधना कमेटी की जानिब से इस फैक्ट्री को दोबारा खोलने के लिए चलाई जा रही तहरीक में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। इस मौके पर साधना कमेटी के कन्वेनर नारायणा शिवा कुमार, अनमूला किरण, एम नरसिंह और दीगर मौजूद थे। रोजो मर गता
కొన్ని రోజుల నుంచి నడుస్తున్నటువంటి సిసిఐ సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి సిమెంట్ పరిశ్రమను తిరిగి ప్రారంభించాలని చెప్పి పునర్ప్రారంభించాలని చెప్పి అనేక కార్యక్రమాలు సాధన కమిటీ జరుపుతుంది. మరి ఈ కార్యాచరణలో భాగంగా ఈరోజు తెలంగాణ తల్లి చౌక్లో ఆదిలాబాద్లో మరి సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా మరి ఉద్యమాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పి సోషల్ మీడియా సంబంధించినటువంటి సెల్ పాయింట్ని కూడా తెలంగాణ తల్లి చౌక్లో పెట్టడం జరిగింది. ఈ చౌక్ ద్వారా మరి అనేక ఏదైతే మనం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఉపయోగిస్తున్నామో ఈమెయిల్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఈ నాలుగు రకాల ఏదైతే ఫేస్బుక్లో మనం ఉపయోగిస్తున్నామో మరి దీని ద్వారా కూడా నరేంద్ర మోడీ గారికి పంపడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ రకంగా సిసిఐ సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ నరేంద్ర మోడీ గారికి అనేక రకాల మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి దయచేసి ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోవాలా ఆదిలాబాద్ యొక్క ప్రజల యొక్క మరి సిసిఐ పునఃప్రారంభిస్తే ఎంత ఉపయోగం అనేది ప్రజల్లో స్వచ్ఛందంగా వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాలా. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ బీజేపీ పార్టీ నాయకులు కూడా మరి మీ పార్టీ దృష్టి తీసుకుపోయి మీ ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకుపోయి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పి మరొకసారి జైరావాసే టీఆర్ఎస్ రుక్న అసెంబ్లీ కే మానిక రావు నే ఆ షహర్ కే బల్దీ హుదూద్ మే షామిల్ షుదా నయే హల్కే హోతీ ఖుర్ద్ కా దౌరా కర్తే హుయే బునియాదీ మసాయిల్ కా జాయజా లియా. ఇస్ మౌకే పర్ ఉన్హోనే ఘర్ ఘర్ జాకర్ ముఖామి అవామ్ సే బిజ్లీ పానీ సడకోం ఔర్ సీవరేజ్ కే మసాయిల్ కే బారే మే తఫ్సీలాత్ హాసిల్ కీ ఔర్ ఉసీ వక్త్ ముతాల్లిఖా హుకామ్ కో హిదాయత్ దీ కే అవామ్ కో కిసీ కిస్మ్ కీ తక్లీఫ్ కే బగైర్ మసాయిల్ కో ఫౌరీ హల్ కియా జాయే. ఇస్ మౌకే పర్ జహీరాబాద్ టౌన్ టీఆర్ఎస్ సదర్ సయ్యద్ మొహియుద్దీన్, జనరల్ సెక్రటరీ కాంతా రెడ్డి, ఆత్మా కమిటీ చైర్మన్ విజయ్ కుమార్, సాబిక్ మున్సిపల్ చైర్మన్ మంగల్ సుభాష్, బల్దియా కమిషనర్ సుభాష్ రావ్ దేశ్ముఖ్, సాబిక్ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ మొహమ్మద్ యూనుస్ కే అలావా దిగర్ మౌజూద్ థే. నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి నే భీమగల్ మున్సిపాలిటీ మే ముఖ్తలిఫ్ తరక్కియాతి కామో ఔర్ శమ్శాన్ ఘాట్ కే కామో కా తఫ్సీలి జాయజా లియా. మున్సిపల్ ఉదేదారోం సే ముకమ్మల్ తఫ్సీలాత్ భీ హాసిల్ కీ. ఇస్ మౌకే పర్ కలెక్టర్ నే ఉమీద్ జాహిర్ కీ కే జేర ఇల్తివా ఔర్ జారీ తరక్కియాతి కామో కో అందరూన్ చార్ మాహ్ ముకమ్మల్ కర్ లియా జాయేగా. అంటే ప్రాపర్గా ఈ నాలుగు నెలల్లో వర్క్ చేసి మనం మనకు శాంక్షన్ ఉన్న ప్రతి వర్క్ కూడా కంప్లీట్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈరోజు భీమగల్ మున్సిపాలిటీ సందర్శనం జరిగింది. చాలా రకాల వర్క్స్ అన్నింటి కూడా టెండర్ కంప్లీట్ చేసుకోవడము, ఏజెన్సీ ఫైనల్ కావడము, చాలా చోట్ల గ్రౌండ్ కావడం కూడా జరిగింది. సో తప్పకుండా అంటే అవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు నమ్మకం అవుతా ఉంది ఈ 3-4 మంత్స్ కాలంలో ఏవైతే సివిల్ వర్క్ ఆల్రెడీ శాంక్షన్ ఇచ్చామో అవన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకోగలుగుతామని. ఇదే విధంగా మిగతా విధంగా జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో కూడా ఈ సివిల్ వర్క్స్ను ఒక వార్ ఫూటింగ్ బేస్ మీద తీసుకెళ్తూ అన్నింటినీ కూడా అంటే చాలా వరకు మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేసిన అన్నింటినీ కూడా 31 మార్చి లోపల రెగ్యులర్గా ఉన్న వాటిని అన్నింటిని కూడా వర్కింగ్ సీజన్ మాకు మే వరకు ఉంటుంది కాబట్టి మే వరకు కూడా పూర్తి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. తప్పక అటు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులందరూ కలిసికట్టుగా ఈ యొక్క 300 కోట్లకు సంబంధించిన వర్క్స్ అన్ని కూడా పూర్తి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. జెడ్పీటీసీ చౌట్పల్లి రవినే ఆర్మూర్ కే మండోరా ఆర్ ప్రాణిపేట్ దేహాతో మే MGN REGS اسکیم کے تحت 10 لاکھ روپے کے سی سی روڈ کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر مقامی عوام نے تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزیر پرشانت ریڈی سے اظہار تشکر کیا. اس موقع پر ایم پی پی آرمور مہیش، منڈل پریسیڈنٹ ڈی نرسیا، کو آپشن ممبر ایم اے موئس، ایم پی ڈی او راجیشور، پی آر اے یوسف پاشا، منڈورا سرپنچ ٹی راجیندر کے علاوہ دیگر موجود تھے. ظہیرآباد بھرت نگر کے نوجوانوں نے آج مجلس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. صدر مجلس بارسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور ضلع سنگریڈی انچارج کوثر محی الدین کی ہدایت پر ظہیرآباد مجلسی صدر محمد اتھر احمد نے نوجوانوں کو پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر مجلس پارٹی میں خیر مقدم کیا. اس موقع پر شیخ رفیع، محی الدین غوری، سابق نائب صدر نشین بلدیہ عظمت پاشا، عامر بن عبداللہ و دیگر کارکن موجود تھے. تقاریب عرس شریف حضرت سید شاہ عبد الغفور صاحب نقشبندی قادری ادہمی رحمۃ اللہ علیہ کے اختتام کو پہنچے. سجادہ نشین سید
वसीउल्ला सिराज अदवी के ज़ेर सदारत तकारीब का अहतमाम किया गया था। 4 रजब को बाद नमाज मगरिब दरगाह यूसुफियन से संदल माली निकाला गया। नामबली में वाक़ दरगाह शाखामोश रहमतुल्लाह अलैह के अखबी हिस्से और मस्जिद शाखामोश के रूबरू वाक़ दरगाह शरीफ के अहाते में 5 रजब को ख़त्म कुरान और तनावल ताम का अहतमाम किया गया। 5 रजब को महफिल नात और शब चरागा से तखारीब उर्स शरीफ का अख्तिताम अमल में लाया गया। अकीदतमंदों और जायरीन की बड़ी तादाद ने तखारीब में शिरकत करते हुए शर्फ़ ज़ियारत हासिल किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में मजलिस की बढ़ती मकबूलियत से फिरका परस्त जमातें बौखलाहट का शिकार। जनूबी हिंद के मुमताज उलमाए कराम का बयान। असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करने उत्तर प्रदेश की अवाम से अपील। दरगाह हुसैन शाहवली की 1654 एकड़ अराजी मुकदमे में वक्फ बोर्ड को नाकामी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी दोबारा। हैदराबाद के मजाफात शामीरपेट के मौजा में खदीम मस्जिद को कर दिया गया शहीद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर का किया मुतालबा। मजलिसी कायदीनों कारकुनान ने वक्फ बोर्ड दफ्तर में किया एहतजाज। शामीरपेट में शहीद की गई मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने किया ऐलान। कहा, खदीम मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। मौलाना जाफर पाशा ने शामीरपेट में मस्जिद को शहीद किए जाने के वाक़े की शदीद मजम्मत। वक्फ जायदादों पर हो रहे कब्जों में वक्फ अमले पर साजबाज का लगाया इल्जाम। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर 11 तारीख को करेंगे जिला जलगांव का दौरा। कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और टीआरएस ऑफिस का करेंगे इफ्तिताह। रियासती गुजरा सत्यवती राठौड़ और एरावली दयाकर राव ने लिया इंतजाम का जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।